देख रहे हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत रोष है और जो घटना घटी है वो वास्तव में बहुत दुखद है। आज बल्लभगढ़ को जाना जाता है तो हमारी जो प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग हैं उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ करके बल्लभगढ़ को हमेशा देखा जाता है। और बल्लभगढ़ शहर एक ऐसा सबसे पुराना शहर है आसपास के एरिया में, जहां चारों तरफ के लोग यहां शॉपिंग करने के लिए, अपने व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। और अगर हमारा व्यापारी असंतुष्ट है, वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए ये आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन आज बल्लभगढ़ का चल रहा है। और हमारी पुरजोर मांग है कि व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और जो भी ये फर हैं, रेहड़ी हैं, इन सबको लगना बंद करें। बगैर आईडी के कोई भी इंसान यहाँ रेहड़ी ना लगा पाए और तुरंत से तुरंत जो मुजरिम है उन्हें गिरफ्तार करके व्यापारी वर्ग को संतुष्ट किया जाए और उन्हें उचित न्याय मिले व्यापारी वर्ग को, और उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, चौकी और थाना नजदीक है, उसके बाद भी बाजार में इस तरह की बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कि बस केवल पुलिस है कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया है, और FIR के साथ साथ ना कोई गिरफ्तारी की है, ना वो व्यापारियों को किसी तरीके से और हम लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें मजबूरन, देखिए आप दुकानें छोड़ करके, अपने काम छोड़ करके, त्यौहार का दिन है और फिर हम रोड पर बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के लिए कि भाई किस तरीके से प्रशासन सोया हुआ है और जल्दी से जल्दी वो कठोर कार्रवाई करे। इसलिए सब एकत्रित है, यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि यहाँ पर गिरफ्तारी होकर के FIR दर्ज नहीं होती। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन अभी प्रशासन की तरफ से नहीं है। प्रशासन केवल यही कह रही है जी, हम बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ऊपर हम पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। अरे भाई, जब जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके उन्हें जेल के अंदर डाला जाए, और क्या किया जाए, इसमें पूछना क्या होता है। कल रात को 8:15 बजे करीब, क्या कहो, 8:15 बजे की बात है, ये हमारे दुकान के बराबर एक 5-star यूनिवर्सिटी की दुकान है। यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व आए, 5 लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, पर बाद में एक लड़के की पहचान हो गई थी, उसका नाम फैज कलेक्शन के नाम था, कुमारवाड़े में दुकान है। मतलब ये है कि बाजार में आजकल ना अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस बात की हम बात बात पर प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं, पर प्रशासन अपने लत्ते झाड़ने के सिवा प्रशासन का कोई काम नहीं है। इसकी अभी मैंने 1 महीने पहले गृह मंत्री जी को भी लिखी थी, CM साहब को भी लिखी थी, CP साहब को भी लिखी थी, पर किसी डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। काम के नाम पर एक एप्लीकेशन आई थी इंचार्ज के पास, इंचार्ज ने हमको बुलाया और एक ऐसा साइन करके चले जाओ, उस पर किस बात के साइन करके चले जाओ। हमने कहा साहब आपने कोई बाजार में कार्रवाई करी है, कोई रेहड़ी पटरी हटवाई है, अगर नहीं वो तो हमारे बस की नहीं है, तो फिर हम साइन करके चले जाए। हमने उस पर कोई साइन नहीं करे एप्लीकेशन पर। उसका नतीजा ये है कि कल 8:15 बजे 5-7 गुंडे तत्व आए और उन्होंने व्यापारी भाई पर हमला किया है। हम थाने में गए, थाने में पहले वाले तो पुलिस वाले उल्टे घुरने को आए, जब यहाँ का थोड़ा सा संगठन मजबूत हुआ तो हमारी एप्लीकेशन ली गई और उन लोगों का मेडिकल कराया है जिनको चोट आई है, पर अभी तक कोई FIR लॉज नहीं हुई है। जो धरने पर बैठे हुए व्यापारी वर्ग, हाँ बाजार में धरने पर बैठे, क्या करें जी, कोई सुनने वाला नहीं है, तो अपने घर में ही रहेंगे बैठ के, और क्या करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुकानों पर भी कब्जा किया हुआ है, शायद एक दुकान पे आगे कब्जा किया हुआ है, दुकान पे कब्जा किया हुआ है। आप लोग क्या चाहते हो? हम तो लगे चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। वैसे तो ये फिर वाली बात आती है, इलेक्शन चल रहे हैं, हर किसी को वोट चाहिए, पर इस धरने पर ना तो कोई कांग्रेसी नेता मौजूद है, ना कोई भाजपा का नेता मौजूद है, सब किसी को वोट चाहिए। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है हमारा बाजार आपके इलेक्शन आ रहे हैं इसको भी नकार दे। अच्छा, क्योंकि हमारी जान ही सुरक्षित है, वोट किस बात के लिए, किस बात के लिए प्रधानमंत्री इसको वोट दें, खाली वोट देना ही हमारे अधिकार है, हमारे सुरक्षा अधिकार नेताओं इस सरकार के पास हमारी सुरक्षा कोई अधिकार नहीं है। 10,000 रुपये हम अपने हाथ सकते थे दुकान का, ठीक है, 21-21 रुपये हिजड़े ले जाते हैं, हम तो किराएदार हुए गवर्नमेंट के। एक दुकानदार, एक मकान वाले भी है, जब किसी को किराए पे अपना मकान देता है उसकी 2-4 साल पता ही कराता है। तो माना जाए कि जिस तरीके से अपराध चरम से मशहूर है, और फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर SDM DCP ACP और ये नाम पे ACP DCP आज तक बताओ ज्वाइंट कमिश्नर SDM पिछले 6 महीने में कितनी बार बाजार के दौरे पाए हैं। हाँ, अभी कोई हमसे गलती हो जाए, हमारी कान पकड़े दुकानदार बहुत सस्ता खून है, कान पकड़े दुकान को ले जाएंगे और धमकी देंगे हमारे को। पर इस तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही कोई संभावना लग रही है। अच्छा, क्या कारण मानते हो जो कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस? कारण ये इलेक्शन है, हो सकता है इनके पीछे दबाव हो, क्या कुछ पब्लिक के खिलाफ कोई एक्शन मत जाओ, कोई मरन दो, गिरन दो, तुम्हें क्या लेन देना भाई, इनको तो वोट चाहिए, वोट दे दो। ये इंतजार कर रहे हैं किस दिन बाजार में मर्डर हो और यहाँ पर लाइन लग जाएगी राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, मनोहर लाल खट्टर की, और हमारे नायब सैनी जी, हो सकता है कि मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। दुकानदार हैं, दुकानदार जो है धरने पर बैठे हुए हैं, 101 आदमी हैं, मतलब मेन जो बाजार